Hi guys, I'm here with daily use English speaking practice sentences. These are 10 sentences mostly be used in our daily life. इसी प्रकार के sentences से यदि आप English सीखना चाहते हैं तो please subscribe कीजिए Pankaj Institute of English तथा इसे ज्यादा से ज्यादा like और share करिए. Let's start our first sentence. Avoid junk food and cold drinks. जब हम बच्चों को या किसी को बहुत ज्यादा burger पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाते पीते हुए देखते हैं तो उनको समझाते हुए कहते हैं कि जंक फूड एवं कोल्ड ड्रिंक से बचो. इसको बोलेंगे अवॉइड जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स. या फ्रेंड्स, जब हम दिन में कोई भी वर्क करते हैं तो उनको रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम रात में सोते हैं. तो यदि ये बात करें कि कितने घंटे सोना चाहिए तो कहते हैं कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है. तो इसको बोलते हैं स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे. स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे. यदि हम कहना चाहते हैं कि भाई बच्चों को भी बोलते हैं या सभी को बोलते हैं कि आप समय से भोजन करिए, क्योंकि समय से भोजन करने से या भोजन करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है. तो भोजन जो है वो हमको स्वस्थ रहने में मदद करता है. फूड हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. और कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि लोगों से बोलते हैं कि बिफोर सनराइज वी शुड गेट अप. वी शुड वेक अप बिफोर सनराइज. सूर्योदय के पहले हमको उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसका अपना ही महत्व है. क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि उठने का इसका अपना अलग ही महत्व है. तो इसको बोलते हैं इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. इसका अपना अलग ही महत्व है. जब हम बोलते हैं किसी भी बच्चे को कि आप दूध पीजिए एवरी डे, टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, पर डे एक ग्लास दूध पीजिए, क्योंकि इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं. तो सभी जरूरी पोषक तत्व को बोलते हैं ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, कितनी बहुमूल्य चीजें हमको जंगलों से मिलती है. इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. जंगलों की सुरक्षा अति आवश्यक है. जंगलों की जो सुरक्षा है वो अति आवश्यक है. और जब कुछ ऐसी चीज के बारे में जो हम बताते हैं और कोई पूछना चाहता है कि ये कहाँ मिलता है और हम कहते हैं कि ये पूरे भारत में मिलता है, तो इसको बोलते हैं इट इज फाउंड ऑल ओवर इंडिया. इट इज फाउंड ऑल ओवर इंडिया. और जब कभी आप बोलते हैं, किसी से भी बोलते हैं कि जब आप चारों ओर देखते हैं तो चारों तरफ हरियाली नजर आती है. चारों तरफ देखते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हैं when you look around. जब आप चारों ओर देखते हैं. और डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हाउ मच वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. पानी जो है हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है. तो लेकिन साफ पानी, यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो वो हमारी बीमारी का कारण बनता है. इसीलिए पानी पीने से पहले कहते हैं प्लीज इंश्योर दैट वाटर इज प्योर. निश्चित कर लो कि जल शुद्ध है. यदि शुद्ध नहीं है तो उसको शुद्ध कर लिए. शुद्ध जल हमेशा पीजिए. ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर. और डियर फ्रेंड्स, आज के समय में जो कुछ भी हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण. हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन वी हैव टू फेस मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. कई प्रकार की समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है.
तो डियर फ्रेंड्स दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। तो यदि इसी प्रकार के ये सेंटेंस आपको पसंद आए हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।